नमस्कार। इंडिया टू भारत के आज के एपिसोड में हम मंडी जिले के शिव और शक्ति के गढ़ रहे सभी शिवालयों के दर्शन करेंगे। इन शिवालयों की 500 वर्ष प्राचीन वास्तुकला और मूर्तिकला आज के आधुनिकीकरण के समय में भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की मूल्यवान धरोहर है। नमस्कार, आज हम मंडी जिले के सबसे प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। इस समय मैं भूतनाथ गली में खड़ा हूँ, जहाँ से छोटी छोटी गलियों में से निकलते हुए हम प्राचीन शिव मंदिर तक पहुँचेंगे। आइए आगे चलकर आपको वहाँ पर ज्वाइन करते हैं। मंडी को काशी कहा जाता है कि इन गलियों में छोटे छोटे और बड़े बड़े दोनों तरह के मंदिर हैं। मेरे एक तरफ देखिए वेदांत मंदिर है, दूसरी तरफ जे एकादश रुद्राक्ष मंदिर है। तो इस तरह के छोटे छोटे मंदिर आपको इन गलियों में मिलते ही जाएंगे। ब्यास नदी मंडी के नागरिकों के लिए जीवनदायिनी होने के साथ साथ पूरे मंडी क्षेत्र के सौंदर्य को भी बढ़ाती है। समय हम पंचरत्न मंदिर में पहुंच चुके हैं। ब्यास नदी के तट पर खड़े हैं। ब्यास नदी की उत्पत्ति कुल्लू क्षेत्र के पीर पंजाल रेंज से ब्यास कुंड से होती है। ४७० किलोमीटर लंबी ये जीवनदायिनी नदी 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है और 214 किलोमीटर पंजाब में। मंडी से होते हुए ब्यास नदी संदोल नामक स्थान पर कांगड़ा में प्रवेश करती है और कांगड़ा से फिर पंजाब में करती है। और यही ब्यास नदी जब पंजाब में प्रवेश करती है तो फिरोजपुर के हरी के पतन में से होते हुए ब्यास नदी आगे पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। और ब्यास नदी का जो पुराना संस्कृत नाम है उसे विपाशा नदी भी कहा जाता था। और इसी विपाशा नदी के तट पर मंडी जिले का सबसे प्राचीन मंदिर पंचवक्त्र मंदिर है। पंचवक्त्र मंदिर मंडी जिले का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण महारानी सुल्ताना देवी ने 1520 ईस्वी में करवाया था। भूतनाथ मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से भगवान भूतनाथ के मंदिर से ये मंदिर 7 साल पहले का बना हुआ है। और इस मंदिर में भगवान शिव के 5 रूपों की पूजा की जाती है। पंचवक्त्र अर्थात 5 रूप। भगवान शिव का अगोरा रूप यानी कि विनाशकारी प्रवृत्ति, भगवान शिव का तात्पुरुष यानी कि प्रार्थना की शक्ति, भगवान शिव का वामदेव रूप जो कि महिला के रूप में भक्ति की शक्ति,
रुद्र रूप जो सृजन और विनाश का प्रतीकात्मक है, भगवान शिव का ईशाना रूप जो सर्वव्यापी है। तो भगवान शिव के पांच रूपों को इस पंचवक्त्री मंदिर में परिभाषित किया गया है। नागर शैली में निर्मित इस शिवालय की वास्तुकला हमारे पूर्वजों की कल्पना शक्ति की योग्यता का जीवंत उदाहरण है। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों को काटकर किया गया है। उस काल में ऐसे आधुनिकीकरण उपकरण तथा पत्थरों की कटाई का सामान उपलब्ध नहीं था। हर आकार में किसी विशेष देवी या देवता की मूर्ति बनाई गई है और मूर्ति जिस आकार में उकेरी गई है उसे भी एक छोटे से मंदिर का स्वरूप प्रदान किया गया है। इससे ऐसा अनुभव होता है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर अनेक छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हों। भगवान शिव का ये पांच शताब्दियों से निर्मित देवस्थान उस समय के कुशल कारीगर श्रमिक समाज की योग्यता को दर्शाता है। और इसी तट पर ब्यास नदी का सुकेती घाट से आगे जाके मिलन होता है। और इसी मिलन के तट पर ही पंचवक्त्र मंदिर दाईं तरफ और बाईं तरफ मंडी जिले का ही दूसरा प्राचीन मंदिर त्रिलोकीनाथ मंदिर स्थापित है। तो इस समय हम मंडी के मशहूर विक्टोरिया ब्रिज पर खड़े हैं और यहाँ से हम निकलते हुए त्रिलोकीनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे। त्रिलोकीनाथ मंदिर और पंचवक्त्र मंदिर को जाने के लिए ये ब्रिज ही है एक रास्ता, यहाँ से हम दोनों मंदिरों तक पहुँच सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर। इस समय हम त्रिलोकीनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। अंदर यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो पहले हम खुद भगवान शंकर के दर्शन करते हैं और उसके बाद इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपसे बात करते हैं। भोलेनाथ के तीन रूपों को दिखाता त्रिलोकीनाथ का जो शिवालय कला और आध्यात्मिकता का बेजोड़ संगम है। इस मंदिर की वास्तुकला से हमारे बुजुर्गों का धर्म के प्रति आस्था के साथ साथ कला के प्रति जो रुझान था वो भी देखने को मिलता है। हमारा अगला तीर्थ स्थल है भगवान शिव का एकादश रुद्राक्ष मंदिर। पूरे मंडी में इस शिवालय में ही हरेक पूर्णमासी को ब्यास नदी की आरती उतारी जाती है। ओम नमः शिवाय। इस समय हम मंडी के प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में पहुंच चुके हैं। इस मंदिर की जो लोकेशन है, जब हम भूतनाथ मंदिर से पंचवक्त्र मंदिर की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में ये मंदिर आता है। इसके बिल्कुल सामने ब्यास नदी का तट है और हनुमान तट के जे बाईं तरफ पड़ता है। तो आइए यहाँ पर भगवान शिव की 11 पिंडियों के दर्शन करें और आपको भी इस पुण्य का लाभ दिलाएँ।
यह मंदिर पंचदेव मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि प्राचीन समय में सनातन धर्म में पांच देवों की पूजा का महत्व रहा है। तो ऐसा ये अद्भुत मंदिर भारत में एक उड़ीसा में और एक यहाँ ही है, पंचायतन मंदिर। ये पंचदेव मंदिर भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे सनातन में पहले पूजा पद्धति जो थी पंचदेव उपासना थी। पहले पंचदेव में जैसे भगवान शिव और भगवती शक्ति, गणेश, विष्णु और सूर्य, ये पंचदेवों में आते हैं। पंचदेव उपासना के ऊपर ही ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भगवान सत्यनारायण, भगवान सूर्यदेव, गणपति बप्पा, भगवती माता और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसीलिए इस मंदिर को पंचदेव मंदिर भी कहा जाता है। और मंडी में भगवान शिव का ये ऐसा मंदिर है जहाँ सावन के महीने में 24 घंटे दिन और रात भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है। इस मंदिर का एक विशेष ये भी कारण है, यहाँ जो है ये जो हमने पहले कहा ओम नमः शिवाय का, भगवान शंकर का जो मंत्र है बड़ा अद्भुत मंत्र है। 42 सालों से निरंतर यह परंपरा चली हुई है, जिसमें एक महीना रात दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है चलता है, जिसमें 24 लोगों की सीटिंग होती है, चेन बनती है श्रृंखला, एक एक घंटे के बाद सब लोग आते हैं और रात दिन पूरा जो है ये निरंतर चलता रहता है। और मंडी का जो एकमात्र मंदिर है कि यहाँ पर हर पूर्णमासी को ब्यास नदी की पूजा की जाती है। यहाँ इस मंदिर के अंदर जो है ब्यास आरती का भी जो है आयोजन किया जाता है। संध्याकालीन समय में जो है ब्यास आरती जो है ब्यास नदी जो है उसकी आरती की जाती है, क्योंकि इसी से पानी जो है चलता है, सब लोगों की व्यवस्था चलती है। और ब्यास जी का वैसे भी शास्त्रों में बहुत महत्व है। यहाँ बाबा महामृत्युंजय कमल आसन पर विराजमान है और इस कमल आसन को चांदी से सजाया गया है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बाबा महामृत्युंजय मूर्ति रूप में कमल आसन पर विराजमान विभिन्न मुद्राएं धारण किए हुए हैं। लोक मान्यता के अनुसार बाबा महामृत्युंजय दिन में 5 बार अपनी मुख मुद्राएं बदलते हैं, कभी अत्यंत प्रसन्न तो कभी गंभीर, कभी क्रोध में तो कभी तेज में, और कभी मायामयी रूप में दिखाई देते हैं। इस मंदिर में बहुत से भक्त दिन में 3 बार दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा महामृत्युंजय यहाँ समाधि की स्थिति में है और इस अवस्था में नैन अर्धबंद हैं, कानों में कुंडल, शिखा और जनेऊ धारण किए हुए हैं और ऊपर के वाम हाथ में अमृत कलश है और दाएं हाथ में त्रिशूल है। प्रतिमा इतनी मनोहारी है कि जे अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती है। और जिस कमल आसन पर बाबा महामृत्युंजय विराजमान है वो पूरी तरह से चांदी से मढ़ा हुआ है। राजा सिद्धसेन द्वारा इस मंदिर की स्थापना 17वीं सदी में की थी और यह मंदिर राजा सिद्धसेन का तंत्र के प्रति लगाव का एक मुख्य बिंदु था। पूर्व समय में मंदिर के बाहर नंदी भगवान की कोई भी प्रतिमा स्थापित नहीं थी, यह बात महातंत्र साधना की ओर इशारा करती है। लेकिन अभी थोड़ी देर समय पहले यहाँ पर नंदीगण भगवान की मूर्ति स्थापना की गई।
भारत के तीन अन्य क्षेत्रों में भी बाबा महामृत्युंजय के मंदिर हैं। इसमें जोगेश्वर धाम में, वाराणसी के मैदागिन में और मध्य प्रदेश के रीवा शहर में भी बाबा महामृत्युंजय का मंदिर स्थापित है। हमारा अगला तीर्थ स्थल होगा मंडी शहर का सबसे खूबसूरत देवी स्थान। यहाँ से सारे मंडी शहर का और ब्यास नदी का मनोहरम दृश्य देखेंगे।